हेलो दोस्तों, मैं स्वप्निल रेगे और ISO 22000-2018 यानी कि FSMS की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज 5.3 ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ की। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू की जाती है, तो उसमें उसका एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होता है, ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डेजिग्नेशंस हैं, जितने भी पद हैं, जितने भी ओहदे हैं, उनके बारे में बताता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा जिसमें बताया जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग हैं और हायरार्की इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है और कौन किसके अंडर में काम करेगा, यानी कि कौन किसे जवाब देगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के जरिए एक हायरार्की, एक डेजिग्नेशन बताया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अब दोस्तों, जब ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन गया, आपने अपने डेजिग्नेशन फिक्स कर दिए, अब टॉप मैनेजमेंट की ये जवाबदारी है, अब टॉप मैनेजमेंट का एक काम है कि वो इन डेजिग्नेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब यहाँ यह है कि जिस डेजिग्नेशन पे जो बंदा बैठा है वो क्या काम करेगा। यहाँ ये चीज़ तय करना बड़ा जरूरी है कि उसका काम क्या होगा, वो क्या काम करेगा, वॉट। इसके बाद वो कितना काम करेगा, यानी हाउ मच, उसे कितना काम करना है, ये चीज़ तय करना भी बड़ा जरूरी है। साथ ही साथ वो किसे रिपोर्ट करेगा, वो किसके लिए अकाउंटेबल है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट अपने डेजिग्नेशन के लोग डेजिग्नेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करें। उसे ये तय करना बड़ा जरूरी है कि डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या काम करेगा, कितना काम करेगा और किसके लिए वो काम करेगा, वो किसके लिए जवाबदेह होगा, किसके लिए वो अकाउंटेबल होगा। क्योंकि देखिए, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आप किसी भी पर्सन से किसी भी बेहतर काम की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। यदि आप ये चाहते हैं, एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, आप टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, तो ये बड़ा जरूरी है कि ये जो जितने भी डेजिग्नेशंस हैं, इन डेजिग्नेशंस में काम करने वाले जो भी इम्प्लॉय होंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो। क्योंकि इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण ही ये पता चल सकेगा कि आप प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा ये भी बड़ा जरूरी है कि इन डेजिग्नेशन में बैठे हुए लोगों के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही तय न की जाए, बल्कि कुछ इन्हें अथॉरिटीज भी दी जाए। इस चीज़ को समझिए, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से आप अपना काम नहीं करवा सकते, आपको कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ अथॉरिटीज भी देना होंगी। अथॉरिटी मतलब कुछ डिसीजन लेने का पावर, इनके पास कुछ डिसीजन लेने का पावर भी होना चाहिए। जैसे अगर हम फूड सेफ्टी की ही बात करें, मान लीजिए आपका फूड सेफ्टी का कोई क्वालिटी इंजीनियर है और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखे कि जो फूड बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा, वो एज पर रिक्वायरमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो सही पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, सही तरीके से वो फूड प्रोडक्ट जो है वो बना है या नहीं बना है, वो फूड प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सेफ बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मान लीजिए उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दे दी, अब उसने चेक कर लिया और उसे पता चलता है कि नहीं, ये एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कहा गया था, जैसा मांगा गया था, वैसा बन नहीं रहा है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि वो ऐसे किसी फूड प्रोडक्ट को रोक सके, तो वो क्या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की नहीं है जिसमें किसी तरह की अथॉरिटी ना दी जाए। तो टॉप मैनेजमेंट ये इंश्योर करे कि जब वो डेजिग्नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है, तो साथ ही साथ वो अथॉरिटीज भी असाइन करें, वो अपने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ कुछ अथॉरिटीज भी दे। ये बात इस क्लॉज में 5.3 में कही गई है। इसके अलावा जब पर्टिकुलर ये क्लॉज 5.3 फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग में रिस्पेक्ट में बात करता है, तो ये कहता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में FSMS के लिए, FSMS के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, FSMS के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज डिसाइड करें, तय करें। टॉप मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में FSMS के लिए, FSMS के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज डिसाइड करें, तय करें। यानी FSMS के लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है वो अपॉइंट करने हैं
और उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है और साथ ही साथ उन्हें कुछ अथॉरिटीज भी देना है। जो भी डेजिग्नेशन होंगे उन डेजिग्नेशन में जो भी लोग होंगे, जो अभी हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की चार्ट के बेसिस पर, ये लोग किसे रिपोर्ट करेंगे FSMS को लेकर, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। मतलब FSMS को लेकर ये लोग टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें, ये बात भी आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले डॉक्यूमेंट में आनी चाहिए। कहने का मतलब ये, किसी डेजिग्नेशन के लिए मान लीजिए आप रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज तय करते हैं, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपसे ये कहा गया है कि आप ये भी इंश्योर करें कि वो पर्सन, वो डेजिग्नेशन, वो बंदा, वो पद, वो ओहदा किसे जवाब देगा, किसे रिपोर्ट करेगा FSMS को लेकर, यानी FSMS को लेकर रिपोर्टिंग किसे की जाएगी, ये चीज भी आपके इस डॉक्यूमेंट में आनी चाहिए। इसके अलावा ये क्लॉज आपसे ये भी कहता है कि आपको फूड सेफ्टी टीम बनाना है, फूड सेफ्टी टीम बनाना है और साथ ही साथ आपको फूड सेफ्टी टीम का लीडर भी बनाना है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इनकी अथॉरिटीज भी आपको तय करनी है। तो ये क्लॉज ये बात भी कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फूड सेफ्टी टीम को अपॉइंट करे और फूड सेफ्टी टीम लीडर को भी अपॉइंट करे। तो तीन बातें अभी तक निकल कर आई है कि एक तो पहले FSMS को लेकर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करनी है, अथॉरिटीज तय करनी है। जो भी डेजिग्नेशन होंगे उन डेजिग्नेशन में बैठे हुए लोगों के लिए आपको इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज तय करनी है जिससे ये क्लियर हो सके कि FSMS के लिए काम हो रहा है और FSMS इंश्योर किया जा सके। दूसरी बात, किसे रिपोर्टिंग की जाएगी, किसे जवाब दिया जाएगा कि FSMS कैसा काम कर रहा है, ये किसे बताया जाएगा। तो रिपोर्टिंग का एक सिस्टम हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जब डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसमें यह भी बताएं कि इस डेजिग्नेशन पे बैठा हुआ बंदा इस बंदे को रिपोर्ट करेगा, इस डेजिग्नेशन पे बैठे हुए बंदे को रिपोर्ट करेगा। तो ये दो चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद तीसरी बात ये कही गई है इस क्लॉज में कि आपको अपॉइंट करना है फूड सेफ्टी टीम को और फूड सेफ्टी टीम लीडर को। इसके बाद इसी में अगला जो क्लॉज है 5.3.2, उस क्लॉज में आपसे ये कहा गया है फूड सेफ्टी टीम लीडर को लेकर इसमें बात कही गई है, क्लॉज 5.3.2। तो दोस्तों इस क्लॉज 5.3.2 में फूड सेफ्टी टीम लीडर इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की गई। तो इसमें जो सबसे पहली बात बताई गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बताई गई है, वो ये बताई गई है कि जो फूड सेफ्टी टीम लीडर होगा ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में FSMS के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, FSMS का एस्टेब्लिशमेंट, FSMS का इम्प्लीमेंटेशन, FSMS का मेंटेनेंस और FSMS के अपडेशन को लेकर इंश्योर करेगा। ये इस चीज को इंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में FSMS जो है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, मेंटेन हो रहा है और अपडेट हो रहा है। इन चारों का क्या मतलब है, ये हमने हमारे पहले वीडियो जो FSMS अवेयरनेस को लेकर बनाया था हमने, उसमें हमने ये क्लियर किया है कि इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मेंटेन का मतलब क्या होता है और अपडेट का मतलब क्या होता है। आप अगर इसे जानना चाहते हैं तो आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम, जो पहली सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड सेफ्टी टीम लीडर को दी गई है, वो ये दी गई है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में FSMS के इस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंट, मेंटेन और अपडेशन को इंश्योर करेगा। वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि ये चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद वो फूड सेफ्टी टीम के जो लीड, जो फूड सेफ्टी टीम होगी उनको ट्रेनिंग देगा। अगर उसे लगता है कि किसी तरह की कॉम्पिटेंसी की कोई कमी है, उसे यदि ऐसा लगता है कि किसी तरह की कॉम्पिटेंसी की कमी है और लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो फूड सेफ्टी टीम में लोग हैं, जो मेंबर्स हैं फूड सेफ्टी टीम के, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। इस चीज़ की जवाबदारी भी इसकी है, फूड सेफ्टी टीम लीडर की। इसके अलावा जो इसके एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि ये मैनेज करेगा कामों को, जो काम होंगे फूड सेफ्टी टीम के उनको ये मैनेज करेगा। फूड सेफ्टी टीम के कामों को मैनेज करना और उन्हें ऑर्गेनाइज करना, इसकी जवाबदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो फूड सेफ्टी टीम लीडर की होगी। और सबसे लास्ट में ये रिस्पॉन्सिबल होगा और ये रिपोर्ट करेगा टॉप मैनेजमेंट को कि FSMS कैसा परफॉर्म कर रहा है, FSMS के परफॉर्मेंस को लेकर ये टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। तो इस तरह से कुछ चार रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके बारे में बताई गई है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि ये फूड सेफ्टी टीम लीडर है ऑर्गेनाइजेशन में FSMS के एस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंट, मेंटेनेंस और अपडेशन के लिए इंश्योर करेगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, ये फूड सेफ्टी टीम में जो मेंबर्स है उनको अगर कंपिटेंसी को लेकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कंपिटेंसी नहीं है, तो उनके लिए ट्रेनिंग का प्रबंध करेगा, ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करेगा, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा।
साथ ही साथ ये फूड सेफ्टी टीम का कामों को मैनेज करेगा और उन्हें ऑर्गेनाइज करेगा, और लास्ट में ये टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा कि FSMS कैसा परफॉर्म कर रहा है। FSMS को लेकर ये टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो इस क्लॉज में 5.3.2 में कही गई है, और इसके बाद लास्ट में आता है 5.3.3 जिसमें सिर्फ ये कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की जाए कि कौन बंदा ऑर्गेनाइजेशन में FSMS को लेकर किसे रिपोर्ट करेगा। ये बात क्लॉज 5.3.3 में कही गई है। तो इस तरह से ये जो टोटल पूरा क्लॉज है 5.3 रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, हम इंस्पायर होते हैं। तो प्लीज़ आप बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो हमारा यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।